गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखने जाएंगे आनंदीज रेनबो। यहाँ पे है आनंदीज रेनबो, आप देख सकते हो, यहाँ पे ये आनंदी रही और ये उसकी कैट, तो ये दोनों हैं। और आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आनंदीज रेनबो एपोस्ट्रॉफी एस है, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस यानी उसका, एपोस्ट्रॉफी एस यानी कि वो मालिकी। तो यहाँ पे जो आनंदीज रेनबो है हम देखेंगे, तो एंजॉय दिस नेचर स्टोरी, नेचर स्टोरी यानी कि कुदरती, हम जो हमारे आसपास जो है वो हम देखेंगे, हमारे आसपास जो भी है, हमारे आसपास ट्रीज है और बहुत कुछ है, तो हम ऐसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेनबो, यहाँ पे आप देख सकते हो रेनबो, या ये रहा सेवन कलर्स है, उसमें कितने कलर्स है, सेवन कलर्स। तो आज हम देखेंगे आनंदीज रेनबो, तो एन्जॉय दिस स्टोरी, एन्जॉय दिस नेचर स्टोरी, हमको ये नेचर स्टोरी जो है वो हमें एन्जॉय करनी है, हमें उसे समझना है। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, रेनिंग यानी कि जो बरसात है वो, रेनिंग बरसात, तो जो बरसात बाहर हो रही थी, आउटसाइड यानी कि बाहर हो रही थी, बारिश हो रही थी बाहर। आनंदी वॉज फास्ट अस्लीपिंग, यानी कि आनंदी जो है वो फास्ट अस्लीपिंग सो रही थी, बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। ड्रीमिंग यानी कि वो देख रही थी, ड्रीमिंग ऑफ रेनबोज, ड्रीमिंग यानी कि सपना देखना, तो वो कुछ सपने देख रही थी ऑफ रेनबोज, रेनबोज जो है वो, उनके वो सपने देख रही थी। शी वॉकअप, उठ गई वो, शी वॉकअप टू, किसके लिए उठ गई वो, शी वॉकअप टू लुक आउट, लुक यानी देखना, आउट यानी बाहर, लुक आउट ऑफ हर विंडो, विंडो के बाहर जो क्या हो रहा है वो देखने के लिए, कि विंडो के बाहर क्या है, तो विंडो के बाहर क्या है, तो वो देखने के लिए वो उठ गई। There was a huge यानी कि बहुत बड़ा, huge bright यानी कि चमकता, bright rainbow, एक rainbow था, across a clear blue sky, across यानी कि across उसके आर पार, across a clear, बहुत ही clear साफ दिख रहा था, blue sky जो आकाश में, blue sky यानी आकाश में, कि जो आकाश में बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा था वो क्या था, रेनबो था, एक बहुत वो ह्यूज यानी बहुत बड़ा था, ब्राइट यानी कि बहुत चमकता था, उसमें लाइट थी बहुत। नेक्स्ट देखते हैं, आनंदी रेन आउट, रेन आउट यानी कि वो दौड़ी, रेन आउट बाहर दौड़ी वो, टू द गार्डन, कहाँ गई वो, गार्डन तरफ वो आई, विथ मिली, मिली कौन है, हर कैट, फेवरेट कैट, उसकी जो कैट है ये मिली उसका नाम है, तो उसकी फेवरेट कैट थी, उसे बहुत अच्छी लगती थी, तो वो मिली के साथ बाहर आई। नेक्स्ट, आनंदी लव्ड टू ड्रॉ एंड पेंट, आनंदी लव्ड यानी उसे बहुत पसंद था, वो बहुत पसंद करती थी, लव्ड यानी उसे बहुत पसंद था, क्या था पसंद, टू ड्रॉ करना, ड्राइंग करना, टू ड्रॉ एंड पेंट करना, कलर करना, तो उसे कलर करना बहुत ही पसंद था, ड्रॉ करना एंड पेंट यानी कलर करना उसे बहुत पसंद था। टुडे यानी कि आज, टुडे शी वांटेड टू पेंट, वांटेड यानी वो इच्छा थी उसकी, वांटेड टू पेंट, वो पेंट करना चाहती थी, द फ्लावर्स, फूल, फ्लावर्स यानी फूल जो है वो उसे पेंट करना चाहिए, यानी कि फ्लावर जो है उसमें कलर करना चाहती थी, ऑफ हर गार्डन, उसके गार्डन जो में है, उसके गार्डन में जो फूल है ना, वो फूल कलर करना चाहती थी, विथ कलर्स ऑफ द रेनबो, विथ कलर्स ऑफ द रेनबो, तो रेनबो कलर्स जो है वो, रेनबो कलर्स करने के लिए वो, उसे लगा कि मुझे, उसे इच्छा हुई कि मैं भी अपने गार्डन का जो फ्लावर्स है वो रेनबो कलर, तो रेनबो में सेवन कलर आते हैं, तो रेनबो कलर जो भी कि रेनबो कलर है वो मैं उसे
यहाँ पे मैं उसे मैं पेंट करूँगी। तो वो उसे लगा कि मुझे गार्डन में जो रेनबो कलर है वो लगाना चाहिए। सी कलर्ड, वो उसने कलर किया वन फ्लावर विथ वायोलेट, जो वायोलेट कलर है, वायोलेट कलर, तो वायोलेट कलर से उसने एक फ्लावर को कलर किया। एंड अनदर, यानी कि दूसरा, अनदर विथ द इंडिगो, दूसरा इंडिगो के साथ उसने किया, इंडिगो ऑफ द रेनबो, रेनबो में जो इंडिगो कलर आता है ना उससे किया। वन विथ द ब्लू, और एक एक फूल को ब्लू कलर से उसने किया। एंड लीव्स, यानी कि जो पौधे हैं, जो जो उसके पौधे, उसको विथ द ग्रीन, ग्रीन कलर के साथ उसने पेंट किया। वन विथ द ऑरेंज, और एक को ऑरेंज के साथ पेंट किया। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि आनंदी आनंदी ने बहुत सारे कलर यहाँ पे यूज़ किए। देखो यहाँ पे ब्लू है, और ये जो कलर्स है डिफरेंट डिफरेंट, ये कलर्स उसने अप्लाई किया है, उसने लगाया है अपने ही गार्डन में। तो यहाँ पे मैं यूनिट ना ये 9 है, यूनिट 9 रेनबो, या यूनिट 9 आनंद इज रेनबो। यहाँ मैं पार्ट 1 जो है मैं आपको समझाऊंगा, पार्ट 1 मैंने समझा दिया, अभी पार्ट 2 जो है उसका मैं आपको बाद में दूंगा, नेक्स्ट में दूंगा। तो आप यहाँ पे तैयारी कीजिए इतनी, और इसे पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।